सुर्ख और मंच, टोक राजस्थान, यूट्यूब और फेसबुक माध्यम से आयोजित इस कविता पाठ में फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं शिव मंगल सिंह छत्तीसगढ़ से अपनी कविताओं को लेकर और फिर बातचीत करने के लिए फिर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। अपनी कविता पाठ करने के पहले मैं भाई देवेंद्र जोशी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मेरी कविता लेखन का उद्देश्य केवल मात्र मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज की पीड़ा को, समाज की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि कविता और साहित्य, और सब आप सब जानते भी हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज की जो विसंगतियां हैं, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक मेरा प्रयास है। इन्हीं मेरी पहली कविता उन बच्चों के लिए है जो बच्चे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनका बचपन कहीं खो गया है, और इतने मजबूर बच्चे हैं जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये कविता सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें मैंने एक बाजार में एक दृश्य देखा कि एक करीब 7-8 साल का बालक गुब्बारा बेच रहा था। उस बच्चे को देखकर मुझे कविता लिखनी पड़ी जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गुब्बारों से खेलने की उम्र में गुब्बारे बेचने के जुगत में लग जाते जीविकोपार्जन के लिए। गुब्बारों से खेलने की उम्र में गुब्बारे बेचने के जुगत में लग जाते जीविकोपार्जन के लिए इस व्यवसाय में अनुभव प्राप्त करते, अपनी जिम्मेदारियों को मासूम कंधों पर लिए घूम रहे हैं बाजार बाजार गुब्बारे बेचते बच्चे। लेकिन जब कभी गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों से खेलने वाले और गुब्बारों को बेचने वाले, गुब्बारों से खेलने वाले और गुब्बारों को बेचने वाले दोनों तरह के बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन इन बच्चों के अंतर्द्वंद को आखिर कौन समझ पाएगा। गुब्बारों से खेलने वाले बच्चों के लिए खिलौना होता उसकी रंगीनियों में खो जाने का मधुर एहसास होता। गुब्बारों से खेलने वाले बच्चों के लिए गुब्बारा उसके रंगीनियों में खो जाने का मधुर एहसास होता। लेकिन गुब्बारे बेचते बच्चों के लिए बाल मजदूरों के लिए क्या और कैसा होता है बचपन और बचपन के सुहाने दिन। सचमुच ऐसे बच्चों का बचपन हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो गया है। इस दुनिया में विविध प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे गुब्बारों से खेलते हैं, कुछ बच्चे गुब्बारों को बेचते हैं,
कुछ बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। आखिर इन बच्चों के अंतर्द्वंद को कौन समझ पाएगा? आखिर इन बच्चों के अंतर्द्वंद को कौन समझ पाएगा? मेरी अगली कविता है, ये भी कविता बचपन से जुड़ी हुई कविता है। बचपन के मधुर एहसास कैसा होता है, इस कविता में मैंने इसको उठाया है। शीर्षक है बचपन में चांद। आजकल जब कभी देखा करता चांद को, आजकल जब कभी देखा करता चांद को, लेकिन मुझे वह चांद नजर नहीं आता, लेकिन मुझे वह चांद नजर नहीं आता जिसे देखा करता था बचपन के दिनों में। वह ऐसा प्रतीत होता तारों के साथ खेल रहा हो, वह ऐसा प्रतीत होता तारों के साथ खेल रहा हो, उन्हें लोरी सुना रहा हो। मालूम नहीं कहाँ खो गया, मालूम नहीं कहाँ खो गया मेरे बचपन का चांद, मेरे बचपन का चांद। बचपन के दिनों में एक टक देखा करता था चांद को, बचपन के दिनों में एक टक देखा करता था चांद को, वह धरती के कोने कोने में आभा बिखेरता, वह धरती के कोने कोने में आभा बिखेरता चैत की चांदनी रात में, चैत की चांदनी रात में उजाला बिखेरता सावन भादों की रात में, सावन भादों की रात में लुपा छुपी का खेल खेलता, लुपा छुपी का खेल खेलता शीत भरी रात में ठिठुरता नजर आता, शीत भरी रात में ठिठुरता सा नजर आता। मालूम नहीं कहाँ खो गया है, मालूम नहीं कहाँ खो गया है मेरे बचपन का चांद, मेरे बचपन का चांद। पहले के जमाने में रात के समय सोते हुए बच्चों को मनाने के लिए, रात के समय सो बच्चों को सो जाने के लिए मनाने के लिए चांद को दिखाया जाता, लोरी सुनाया जाता। बच्चे एक टक चांद को देखा करते और चुप हो जाते। अब कहाँ किसी को फुर्सत है जो बच्चों को चांद को दिखा सके, जो बच्चों को चांद को दिखा सके। फिर से मैं देखना चाहता हूं अपने बचपन के चांद को, फिर से मैं देखना चाहता हूं अपने बचपन के चांद को। मालूम नहीं कहाँ खो गया मेरे बचपन का चांद। कोई मुझे पता बता दो, कोई मुझे पता बता दो उस चांद का जिसे मैंने बचपन के दिनों में देखा था, जिसे मैंने बचपन के दिनों में देखा था। मेरी अगली कविता है, फिर भी कोयल गाती है। निश्चित रूप से आज हमारा जीवन शैली तेजी से बदल रहा है और हम लोग इस प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। एक हम सब बनावटी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन प्रकृति अपना काम करती है, मौसम अपने काम करता है और अब किसी को फुर्सत नहीं है जो कोयल की गीत को सुन सके। फिर भी जब बसंत ऋतु आता है तो कोयल गाती है और कोयल अपना काम करती है, कोयल मौसम को याद करती है, लेकिन हम सब सब भूलते जा रहे हैं। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है, फिर भी कोयल गाती है, फिर भी कोयल गाती है। ऋतुराज बसंत के शुभ आगमन पर परंपरा का निर्वाह करती वासंती बयार बहती है, लेकिन उसकी पहचान डीजल और पेट्रोल के गंध के बीच, लेकिन उसकी पहचान डीजल और पेट्रोल के गंध के बीच मालूम नहीं कहाँ खो जाती है। तारों
तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोयल गाती है, वातावरण में संगीत खोलती है, वातावरण में संगीत खोलती है। ऋतुराज बसंत के शुभ आगमन पर अब किसको फुर्सत है, ऋतुराज वसंत के शुभ आगमन पर अब किसको फुर्सत है जो कोयल की कुह को सुन सके। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह पराजय स्वीकार नहीं करती, कोयल पराजय स्वीकार नहीं करती, आत्मसंघर्ष करती है इस सूखे मौसम में। इस सूखे मौसम में कोयल गाती है, वातावरण में संगीत खोलती है, वातावरण में संगीत खोलती है। ओ कोयल कभी उदास मत होना, ओ कोयल कभी उदास मत होना, ऋतुराज बसंत के शुभ आगमन पर चुप मत रहना। ओ कोयल कभी उदास मत होना, ऋतुराज वसंत के शुभ आगमन पर चुप मत रहना, परंपरा का निर्वाह करते रहना, परंपरा का निर्वाह करते रहना। उदास होते इस सूखे मौसम में कोह की तान सुनाते रहना, उदास होते इस सूखे मौसम में भी कोह का तान सुनाते रहना, मधुर गीत गाते रहना। ओ कोयल कभी उदास मत होना, ओ कोयल कभी उदास मत होना। इसके बाद मैं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कविता समझ में आएगी। और ये इस वर्तमान की जो पीड़ा है, ये वर्तमान में क्या हो रहा है, उस वर्तमान के सच को, इस अधूरे सच को मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश किया है, जो आप लोगों के सामने मैं कविता पढ़ रहा हूं। मैं इस कविता का शीर्षक है वर्तमान के अधूरे सच। वर्तमान के अधूरे सच। आपके आस्था और विश्वास के तार टूट जाएंगे, आपके आस्था और विश्वास के तार टूट जाएंगे झंकृत होते होते, विश्वासघात होते हुए महसूस करेंगे आप, विश्वासघात होते हुए महसूस करेंगे आप वर्तमान के अधूरे सच को जानकर। वर्तमान के अधूरे सच को जानकर आइए ले चलता हूं आपको, आइए ले चलता हूं आपको वर्तमान के अधूरे सच की ओर। आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, ये मुखौटे लगाए नकली चेहरे हैं। आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, ये मुखौटे लगाए नकली चेहरे हैं, जिसे आप अस्थाई भाव से विश्वास करते हैं, जिसे आप अस्थाई भाव से विश्वास करते हैं। इनके असली चेहरे कुछ और ही हैं, इनके असली चेहरे कुछ और ही हैं। इनके श्रीमुख से निकली वाणी में, इनके श्रीमुख से निकली वाणी में, प्रवचन के शब्दों में विलोम अर्थ ही प्रकट होते हैं। इनके श्रीमुख से निकली वाणी में, प्रवचन के शब्दों में विलोम अर्थ ही प्रकट होते हैं। इनके कथनी और करनी में इतने अंतर हैं, इनके कथनी और करनी में इतने अंतर हैं, जितने आग और पानी में, आसमान और धरती में, जितने आग और पानी में, आसमान और धरती में, सच और झूठ में। कुछ लोग सच को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, कुछ लोग सच को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, आसमान में गेंद की तरह उछाल रहे हैं, आसमान में गेंद की तरह उछाल रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं,
यहाँ सत्य के नाम पर, यहाँ सच के नाम पर असत्य का वर्चस्व है, यहाँ सच के नाम पर असत्य का वर्चस्व है। कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ लोग जुगत में लगे हैं शतरंज के इस खेल में। शतरंज के इस खेल में जनता तो सिर्फ इनके लिए मोहरे है, सबके अपने खेल हैं, सबके अपने अपने खेल हैं। इनके शब्दों में सम्मोहन की अद्भुत कला है, इनके शब्दों में सम्मोहन की अद्भुत कला है। इनके पास शब्दों के जाल हैं, इनके पास शब्दों के जाल हैं। जनता तो हमेशा की तरह भावनाओं में बह जाती है, जनता तो हमेशा की तरह भावनाओं में बह जाती है और छली जाती है, छली जाती है। समाचार पत्रों से लेकर विभिन्न संचार माध्यमों से जो समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि लोकतंत्र बनाम लूटतंत्र के अद्भुत खेल खेले जा रहे हैं। इससे तो यही समझ में आता है कि लोकतंत्र बनाम लूटतंत्र के अद्भुत खेल खेले जा रहे हैं। इससे तो यही प्रमाणित होते कि हम लोग इससे तो यही प्रमाणित होता कि हम लोग इस घोर अराजकता के युग में युग के साक्षी हैं। इससे तो यही प्रमाणित होते कि हम लोग इस घोर अराजकता के युग के साक्षी हैं, युग के साक्षी हैं। रावण ने पाखंड फैलाकर मायावी मारिच को स्वर्ण मृग बनाकर इसके सच को मायावी थोड़ी चेंज कर रहा हूं कविता को, इस सच को भ्रम फैलाकर पिंजरे में बंद कर दिए गए तोते की तरह संवाद करते रहे, किंतु हम लोग जादूगर की तरह मुस्कुराते रहे, किंतु हम लोग जादूगर की तरह मुस्कुराते रहे। सरेआम हत्या हो गई सच की, सरेआम हत्या हो गई सच की, उसकी आत्मा जन जन के दिलों से, दिलों दिमाग से निकलकर बैठ गई इसी एकांत पेड़ पर। सरेआम हत्या हो गई सच की, उसकी आत्मा जनजन के दिलो दिमाग से निकलकर बैठ गई किसी एकांत पेड़ पर। कुछ लोग महात्मा गांधी की समाधि पर प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग महात्मा गांधी की समाधि पर प्रार्थना कर रहे थे, वही लोग वर्तमान के अधूरे सच को संसद में तलाश रहे थे, वही लोग वर्तमान के अधूरे सच को संसद में तलाश रहे थे। अब तो महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को खारिज कर दिए गए, सिर्फ नारे बनकर रह गए, सिर्फ नारे बनकर रह गए गांधी और गांधीवाद। मैंने देखा सपने में वर्तमान के अधूरे सच को, एक नया प्रयोग है इस कविता में। मैंने देखा सपने में वर्तमान के अधूरे सच को, जो अपने पराजय कि महात्रास्ती से गूंगा और बहरा हो गया था, जो अपने पराजय के महात्रास्ती से गूंगा और बहरा हो गया था, वर्तमान के अधूरे सच काल्पनिक बनकर मिथक बनकर रह गए, सपनों की रंगीन दुनिया में खो गए, बिखर गए, टूट गए। हमें कहां मिलेंगे ऐसे शब्द, हमें कहां मिलेंगे ऐसे शब्द जो वर्तमान के सच को जन जन तक पहुंचा सके, सच के उजाले बन सके। सच संभव नहीं लगता, अब यह संभव नहीं लगता, मिल पाएंगे ऐसे शब्द और रह जाएगी, नहीं मिल पाएंगे ऐसे शब्द और रह जाएगी एक अधूरी कविता, एक अधूरी कविता। इस भंवर जाल में फंसकर वर्तमान के अधूरे सच छटपटा रहे अपने पराजय के महात्रास्ती से, फिर भी कुछ लोग
कोशिश में लगे हैं, फिर भी कुछ लोग कोशिश में लगे हैं, इसलिए लालटेन लिए अंधेरे में सच को तलाश कर रहे हैं, सच सच को तलाश कर रहे हैं। आइए मेरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, जो हम इस कविता के माध्यम से मैंने विश्व शांति का संदेश दिया है और दुनिया में जो अराजकता फैली हुई है, हिंसा फैली हुई, नफरत फैली हुई है, इससे ये दुनिया अब बदरंग होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों ओर नफरत हिंसा फैली हुई है, जो ये अच्छी बात नहीं है। और ये कविता, इस कविता के माध्यम से मैंने ये संदेश दिया है, ये बताने की कोशिश की है, ये हिंसा और युद्ध और नफरत हम मानव के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, इससे इस दुनिया को मुक्ति मिलनी चाहिए। ये मेरा प्रयास है कविता के माध्यम से। कविता का शीर्षक है बढ़ते नाखून। दुनिया भर में हिंसा और आतंक के दुनिया भर में हिंसा और आतंक के हाथ पैर के नाखून तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में हिंसा और आतंक के हाथ पैर के नाखून तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दहशत की काली भयावह छाया को, दहशत की काली भयावह छाया को चतुर्दिक फैलाकर भटके हुए लक्ष्य को पाने के लिए, भटके हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अशुभ कामना लिए, अशुभ कामना लिए मौत के सौदागर प्राय भूल जाते हैं, मौत के सौदागर प्राय भूल जाते हैं कि निरीह जनता को मौत की नींद में सुला देने से कोई महान उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। निरीह जनता को मौत की नींद में सुला देने से कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अंततः उठते हैं अनेक सवाल, अंततः उठते हैं अनेक सवाल। हिंसक घटनाओं के काल के गर्त में समा गए लोगों के लिए, हिंसक घटनाओं से काल के गर्त में समा गए लोगों के लिए, लोगों के अनाथ बच्चों के लिए, उनके वयोवृद्ध माता पिता के लिए, इन सबके अनंत वेदना के गंभीर सवालों का जवाब कौन देगा, इन सबके अनंत वेदना के गंभीर सवालों का जवाब कौन देगा। इस दुनिया को नहीं चाहिए बारूद की गंध, इस दुनिया को नहीं चाहिए बारूद की गंध, हिंसा का तांडव, मौत की सन्नाटे, नफरत की आंधी। इस दुनिया को नहीं चाहिए बारूद की गंध, हिंसा के तांडव, मौत की सन्नाटे, नफरत की आंधी, उदासी के आंसू, चेहरे पर भय की रेखाएं। इस दुनिया को चाहिए, इस दुनिया को चाहिए संवेदना और सद्भावना, इस दुनिया को चाहिए संवेदना और सद्भावना, हरियाली और खुशहाली, फूलों सी कोमलता, फूलों सी कोमलता, तितलियों सी उड़ान, प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान, प्रेम और भाईचारा। इस दुनिया को चाहिए संवेदना और सद्भावना, हरियाली और खुशहाली, फूलों सी कोमलता, तितलियों सी उड़ान, प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान, प्रेम और भाईचारा। इस दुनिया के कोने कोने में बिखर जानी चाहिए, इस दुनिया के कोने कोने में बिखर जाने चाहिए सुख और समृद्धि, सुख और समृद्धि। इसलिए बार बार उठते हैं यक्ष प्रश्न, इसलिए बार बार उठते हैं यक्ष प्रश्न। अंततः इस दुनिया में आंधी क्यों बह रही अशांति और नफरत की, अंततः इस दुनिया में
आंधी क्यों बह रही, अशांति और नफरत की, हिंसा और अराजकता की, कितने अच्छे होते दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से यह घोषणाएं कर दिए जाते, कितने अच्छे होते दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से ये घोषणाएं कर दिए जाते, अब यह दुनिया हिंसा और आतंक से अब यह दुनिया हिंसा और आतंक से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी। यही हम सब के लिए परम सौभाग्य होता है। युद्ध और हिंसा जैसी तमाम घटनाओं पर, हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिए जाते बहुत अच्छा होता। अंततः मौत के सौदागरों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? कि अहिंसा और प्रेम से जीते जा सकते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े जंग, अंततः इस दुनिया को, इस दुनिया से हिंसा के बढ़ते नाखून को काट देने का, हम सबको लेना चाहिए निर्णायक संकल्प, आइए फिर से मैं आप सबको बसंत, ऋतुराज बसंत दूर ले जाता हूं। आज ऋतुराज बसंत जो हमारे भारतीय साहित्य में ऋतुराज बसंत का, वसंत ऋतु का बहुत व्यापक रूप से वर्णन हुआ है, चाहे कालिदास हो संस्कृत के कवियों से लेकर हिंदी के कवियों ने और भारतीय भाषाओं के अन्य सभी साहित्य में वहां कवियों ने वसंत ऋतु का बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया है। बदले हुए परिदृश्य में वसंत ऋतु की क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं इस कविता में मैंने इस बात को उठाया है कि अब हम कितने बदल गए हैं, हम अपनी ऋतुओं को भूल गए हैं, और इसका एहसास मैं इस कविता के माध्यम से आप सबको करा रहा हूं। कविता का शीर्षक है ऋतुराज बसंत, ओ ऋतुराज बसंत। ओ ऋतुराज बसंत, अब तुम्हारे शुभ आगमन पर किसी को भी आभास नहीं होगा। ओ ऋतुराज बसंत, अब तुम्हारे शुभ आगमन पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा। तुम्हारे स्वागत में कब पेड़ों में न्यूतन परिधान किए धारण किए, कब महुआ और आम के पेड़ों ने भीनी भीनी गंध बिखेरे, कब फूलों ने विविध रंग सुगंध बिखेरे, कब पलाश के फूलों ने रंगोली सजाए, कब कोयल ने स्वागत गीत गाए, कब भौरों ने अपने गीत गुनगुनाए, कब तितलियों ने अपने नृत्य दिखाए। ओ ऋतुराज बसंत, अब तुम्हारे आगमन पर किसी को क्या पता। कब आए थे और कब चले गए चुपचाप। ओ ऋतुराज बसंत, अब तुम्हारे आगमन पर किसी को क्या पता
कब आए थे, कब चले गए चुपचाप, संभवतः लोग भुला देंगे। संभवतः लोग भुला देंगे बिरुखी के साथ, बदलते वक्त के साथ अब सब कुछ बदल गया है। बदलते वक्त के साथ अब सब कुछ बदल गया है, अब तुम भी निर्वासित होने के उस अब तुम भी निर्वासित होने के इस मिशन से ग्रस्त होना का होना ही पड़ेगा, तुम्हें निर्वासित होने होना ही पड़ेगा। लीजिए एक और कविता मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। और मैं क्यों लिखता हूं और मेरे कविताओं में मैं क्या अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं, ये इस कविता में मैंने इस बात को उठाया है। शीर्षक है उन शब्दों को खोज रहा हूं। मैं उन शब्दों को खोज रहा हूं जिसके सहारे इस असीम अंधकार के विरुद्ध सब चमक जाए। मैं उन शब्दों को खोज रहा हूं जिनके सहारे इस असीम अंधकार के विरुद्ध शब्द चमक जाए, नव प्रकाश किरणें बनकर जिससे दुनिया भर में फैल जाए उजाला, जिससे दुनिया भर में फैल जाए उजाला। मैं उन शब्दों को खोज रहा हूं जिनके सहारे दुनिया भर में फैली हिंसा और नफरत जिसके सहारे दुनिया भर में फैली हिंसा और नफरत कम होते होते तब्दील हो जाए अहिंसा और प्रेम के रूप में, अहिंसा और प्रेम के रूप में दुनिया भर में फैली फैल जाए, दुनिया भर में फैल जाए सुख शांति की किरणें, दुनिया भर में फैल जाए सुख शांति की किरणें, हिंसा और नफरत से मुक्त हो जाए, हिंसा और नफरत से मुक्त हो जाए यह दुनिया, हिंसा और नफरत से मुक्त हो जाए यह दुनिया। मैं उन शब्दों को खोज रहा हूं जिनके सहारे दुनिया भर में फैले अन्याय और शोषण कम होते होते, मैं उन शब्दों को खोज रहा हूं जिसके सहारे दुनिया भर में फैले अन्याय और शोषण कम होते होते समाज से मुक्त हो जाए, समाज अन्याय मुक्त शोषण मुक्त समाज बन जाए दुनिया भर में। शब्द संवाहक होते हैं अभिव्यक्ति के लिए, शब्द संवाहक होते हैं अभिव्यक्ति के लिए, विचारों के संप्रेषण के लिए, उपरोक्त परिवर्तन की कामना को पूर्ण करने के लिए, उपरोक्त परिवर्तन की कामना को पूर्ण करने के लिए दुनिया के कौन से शब्दकोश से मिलेंगे ऐसे शब्द, दुनिया के कौन से शब्दकोश में मिलेंगे ऐसे शब्द। अगली कविता है बुरे समय की कविता। कविता और साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज को आईना दिखाना, समाज की पीड़ा को अभिव्यक्त करना, उसकी असलियत को उजागर करना और समाज को दिशा देना साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। अपनी संवेदना के साथ, अपनी भावनाओं के साथ तो इस कविता का शीर्षक है बुरे समय की कविता। इस बुरे समय में
कविता लिखना, इस बुरे समय में कविता लिखना, गहरी नींद में भयावह स्वप्न को देखकर उठ जाना, शेष रात्रि में आत्मसंघर्ष करना, इस बुरे समय में कविता लिखना, गहरी नींद में भयावह स्वप्न को देखकर उठ जाना और शेष रात्रि में आत्मसंघर्ष करना, सुबह की प्रतीक्षा के लिए व्यग्र हो जाना, हो सकता है कवि के लिए इस बुरे समय में कविता लिखना, 9 सौंदर्य शास्त्र का राग अलापना, नए नए बिंबों का प्रयोग कर कविता को कलात्मक ऊंचाई पर ले जाना, इस बुरे समय में कविता लिखना, 9 सौंदर्य शास्त्र का राग अलापना, नए नए बिंबों का प्रयोग कर कविता को कलात्मक ऊंचाई पर ले जाना, जम्हाई लेते हुए कविता लिखना हो सकता है कवि के लिए इस बुरे समय में कविता लिखते समय कल्पना के पंख लगाकर उड़ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बुरे समय में कविता लिखना, कल्पना के पंख लगाकर उड़ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने समय के भयावह यथार्थ पर पलायन कर लेना घातक हो सकता है कवि के लिए। इस बुरे समय में कविता लिखते समय कबीर की तरह भरे बाजार में सबको ललकारने होंगे। इस बुरे समय में कविता लिखते समय कबीर की तरह भरे बाजार में सबको ललकारने होंगे, खरी खोटी सुनाने होंगे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, यथार्थ को जन जन तक ले जाने होंगे। इसी से बची रहेगी कविता और इसका प्रयोजन जनमानस के बीच में। लीजिए, मैं इस कविता पाठ के अंतर्गत मैं अपनी अंतिम कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये भी बच्चों पर केंद्रित है। आज बच्चों का बचपन कहाँ है, इस कविता के माध्यम से मैंने उठाया है कि आज बच्चों का बचपन कहाँ चला गया, बचपन की अनुभूति क्या होती है। अब बच्चे हुए, अब आजकल के बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि बचपन क्या। कविता का शीर्षक है रोते हुए बच्चे। रोते हुए बच्चों को मनाने के लिए उनके दादा दादी को, नाना नानी को किस्से और कहानियां, गीत और पहेलियां सुनाने के अवसर नहीं मिलते। रोते हुए बच्चों को मनाने के लिए अब उनके दादा दादी को, नाना नानी को किस्से और कहानियां, गीत और पहेलियां सुनाने के अवसर नहीं मिलते। तरह तरह के स्वांग रचाने के अवसर नहीं मिलते क्योंकि अब इन्हें बच्चों के सानिध्य प्राप्त करने के सौभाग्य नहीं प्राप्त होते क्योंकि अब इन्हें बच्चों के सानिध्य प्राप्त करने के सौभाग्य प्राप्त नहीं होते। बच्चे वंचित होते जा रहे बचपन के सुनहले पलों से। बच्चे वंचित होते जा रहे बचपन के सुनहले पलों से। रोते हुए बच्चों को मनाने के लिए अब इन्हें कोई गोद में लेकर लोरी नहीं सुनाया करते। चांदनी रात में चांद और तारों को नहीं दिखाया करते
चांदनी रात में चांद और तारों को नहीं दिखाया करते, बागों में खिलाती तितलियों के बारे में अनभिज्ञ रह जाते, बागों में खिलाती तितलियों के बारे में बच्चे अनभिज्ञ रह जाते। सचमुच सचमुच प्रकृति और परंपरा से विमुख होती इस दुनिया में, सचमुच प्रकृति और परंपरा से विमुख होती इस दुनिया में बच्चे वंचित रह जाते बचपन से, बच्चे वंचित रह जाते बचपन से। रोते हुए बच्चों को मनाने के लिए नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाते कोई खिलौना, नहीं मिल पाता कोई खिलौना। अब बच्चे अनभिज्ञ होते जा रहे, अब बच्चे अनभिज्ञ होते जा रहे परंपरागत खिलौनों से। सचमुच इतिहास होते जा रहे परंपरागत खिलौने और बचपन भी। सचमुच इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सचमुच इतिहास होते जा रहे परंपरागत खिलौने और बचपन भी। रोते हुए बच्चों को मनाने के लिए, अब रोते हुए बच्चों को मनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हमारी जीवन शैली के अभिन्न अंग बन चुके, अब हमारे जीवन शैली के जीवन शैली में अभिन्न अंग बन चुके मोबाइल और रिमोट उनके हाथों में थमा दिया जाता। अब हमारे जीवन शैली के अभिन्न अंग बन चुके मोबाइल और रिमोट उनके हाथों में थमा दिया जाता। मोबाइल के बटन दबाते बच्चे मोबाइल के बटन दबाते उनके रंगीनियों में खो जाते, उनके रंगीनियों में खो जाते। दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों में प्रसारित होने वाले कार्टून को देखकर दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों में प्रसारित होने वाले कार्टून को देखकर बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोते हुए बच्चे, रोते हुए बच्चे। धन्यवाद। मैंने आज इस अपनी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के साथ मैंने आप लोगों के सामने अपनी कविताएं रखी। आशा करता हूं कि मेरी कविताएं आप लोगों को पसंद आएंगी और मुझे जो अवसर प्रदान करने के लिए आपसे आप लोगों के बीच अपनी कविताओं को सुनाने का अवसर प्रदान करने के लिए देवेंद्र जोशी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मेरी कविताएं केवल मनोरंजन कविताएं नहीं है, मेरी कविताएं एक यथार्थ कविताएं हैं और समाज का दर्द है इससे मैंने देखा है, समझा है। और एक मैंने कविताओं के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया है कि हम कुछ समाज को एक बता सके जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उसके बारे में अवगत करा सके। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आशा करता हूँ कि आप सबका हमें स्नेह आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से मैं बौद्धिक श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा कि जो मेरी कविताएं हैं इस दर्द को, इस पीड़ा को, दुनिया की दर्द को मैंने उठाने की मेरा एक कोशिश है और मैं मानता हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं, तो मेरा प्रयास है। मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा और जितना भी हो सकता है जैसे भी कर सकते हैं हम अपनी रचनाओं के माध्यम से इस बात को उठाते रहेंगे। फिर से अंततः मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और भाई इस मंच के मंच के जो संचालक सूत्रधार और जो पूरे देश के रचनाकारों को अपने मंचों पर YouTube के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं इनके प्रति बहुत बहुत आभार करता हूँ क्योंकि इनके माध्यम से ही आप लोगों ने मेरी कविताएं सुनी है। धन्यवाद।